सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र की पंचायत थाना धर्मेना की नारी शक्ति जो मंगलवार को पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के निवास स्थान समीरपुर में पहुंचकर कांग्रेसी छोड़ भाजपा में शामिल हुई थी, उन्होंने सुजानपुर विधायक राजेंद्र राणा पर तीखा हमला किया है। महिलाओं में बार्ड सदस्य निशा देवी, ब्योवृद्ध रत्नी देवी, सुरेश कुमारी, नीलम देवी आदि ने बुलंद आवाज में कहा है कि सुजानपुर विधायक डराने धमकाने की राजनीति पर उतारू हो गए हैं, लगातार अपना कुनबा बिखरता देख बौखलाहट में उतारू हो गए हैं। महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि मंगलवार को वे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के निवास स्थान समीरपुर में गए थे। वहां दर्जनों महिलाएं अपनी मर्जी से दिल से भारतीय जनता पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की अध्यक्षता में शामिल हुए थे। जो महिला ये आरोप लगा रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री जबरदस्ती लोगों को भाजपा में शामिल कर रहे हैं, ये बात पूरी तरह गलत है, निराधार है। उन्होंने ये भी बात स्पष्ट की कि पूर्व मुख्यमंत्री उनके पास नहीं आ रहे हैं, बल्कि हम लोग उनके पास भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए जा रहे हैं, और कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिसे समझ ना हो, वे अच्छे बुरे को जानती ना हो कि उनके साथ क्या हो रहा है। अगर महिला मंडल की प्रधान को भाजपा का पटका पहनाया जा रहा था तो उस महिला ने वहां पर उस बात का विरोध क्यों नहीं किया, जब पूर्व मुख्यमंत्री वहां मौजूद सभी लोगों से भाजपा में शामिल होंगे या नहीं को लेकर सवाल जवाब कर रहे थे। ब्योवृद्ध महिला रत्नी देवी ने कहा कि विधायक के कार्यकर्ता बुधवार को उनके घर आए और महिला मंडल की प्रधान को भी उनके घर लाए और जबरदस्ती उससे पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के खिलाफ बुलवाया, जिसकी वे साक्षी हैं। महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि वे अपने मन से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, इसी पार्टी के साथ हैं और इसी पार्टी में रहेंगी। विधायक द्वारा जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वे पूरी तरह निराधार हैं। वे विधानसभा क्षेत्र में अपनी खिसकती जमीन को देखते हुए बौखलाहट में हैं, लेकिन आने वाले विधानसभा चुनावों में उन्हें झूठ की राजनीति का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जान करती हूँ कि हम समीरपुर गए थे, अपनी मर्जी से गए थे, किसी के दबाव में नहीं गए थे, और साथ में महिला मंडल प्रधान गमरो देवी गई थी, वो भी अपनी मर्जी से गए थे। अभी उनका वो है मकसद है क्या है क्या नहीं है, किस लिए वो ऐसे कर रहे हैं, उनकी मर्जी है। सिर्फ उनका लालच है कि वो टेंट और वो 12,000 रुपए दे रहे हैं ना, उसके खातिर ही वो घुमरा कर रहे हैं राणा जी, और वो उसी की वजह से बदल रहे हैं, बाकी कुछ नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं की गई। हम लोग समीरपुर गए थे तो अपनी मर्जी से गए थे, हमें कोई बोल के नहीं गया था कि आप लोगों ने जाना है, हमने खुद तय किया था कि हम लोग बीजेपी से जुड़ना चाहते हैं, इसलिए हम समीरपुर गए थे। बाकी उन्होंने कोई जोर जब हमारे को कोई इसने बोला कि जबरदस्ती कि हाँ भी आप हो कि नहीं हो, हमारी इच्छा हुई तो कि हमने ज्वाइन की, हम पहले से बीजेपी के जुड़े हुए थे सर। ये भी आरोप लगा रही है ना, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है इस वाली बात के लिए। और वो महिला मंडल गमरो देवी जो आरोप लगा रही है ना, उससे हमारा कोई भी लेना देना नहीं है, वो सारा गलत है, हम बीजेपी के थे हैं और रहेंगे ना। राणे के आदमी सिखा रहे थे जी, तब वो ऐसे बोलो बोले, ऐसे बोलो ऐसे बोल रही थी वो कि हम भाई राणा के हैं, हम राणा के रहेंगे बोले, हम कहने हम भाई जबरदस्ती के हमारे को पटेट बना दिए। राणे जब बंदे सिखाया जी कहती ने बोलिया, तो दो तीन दिन बड़ी बुलाया थी ने, हाँ दो तीन दिन बोले बार बार कर फोटो लेने के बार बार बोला बोले बोले ऐसे बोलता है बोले बोला उन्होंने कि डुमल झूठ बोलता है, डुमल के पास क्या है बोला, इस बोला क्या है डुमल बोलिया,